शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। कोरोना का संक्रमण बढ़े नहीं, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की। अभी तक 3 लॉकडाउन पूरे हुए, मगर अभी तक महाराष्ट्र की कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ते ही जा रही है। ऐसा आरोप विरोधी पक्ष भाजपा की ओर से लगाया जा रहा है। भाजपा का कहना है कि पहले दौर में सरकार अच्छा काम किया था, मगर अब ऐसा नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र के हालात देखते हुए भाजपा की ओर से आज महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन में सभी शहर के भाजपा नेता संबंधित जिलाधिकारी को महाराष्ट्र बचाने का निवेदन देंगे। साथ ही मुंबई में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस इनके अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल से भेंट लेकर निवेदन दिया है। राज्यपाल महोदयांची भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आम्ही आज भेट घेतली आहे। कोरोनामुळे जे संकट उभे राहिले त्याचा सामना करताना महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्या प्रकारे तो मुकाबला केला पाहिजे, सामना केला पाहिजे, तसे होताना दिसत नाही। आणि त्यामुळे आज देशामध्ये सर्वात जास्त कोरोनाचे पेशंट्स आणि सर्वात जास्त कोरोनामुळे मृत्यू हे महाराष्ट्रात झाले आहे आणि याची संख्या रोज वाढते आहे। आणि विशेषतः मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद जे प्रमुख शहर आहेत या शहरांमध्ये याचा प्रादुर्भाव फार वेगाने वाढतो आहे आणि अनेक लोकांना उपचार देखील मिळत नाही आहेत अशा प्रकारची परिस्थिती आहे। एकीकडे कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे रुग्णांना उपचार मिळत नाहीये आणि दुसरीकडे राज्यामध्ये शेतकऱ्यांची परिस्थिती देखील दिवसेंदिवस वाईट होते आहे। अजूनही त्यांचा शेतमाल हा घरी पडलेला आहे, तो खरेदी करण्याची कुठली व्यवस्था राज्य सरकारने केली नाही। खरं म्हणजे खरेदीचे सगळे पैसे केंद्र सरकार देतं, पण खरेदी राज्य सरकारला करावी लागते, मात्र त्याची व्यवस्था अद्यापपर्यंत झालेली नाही। खरीपाचा नवीन हंगाम आहे, त्याही संदर्भातली कुठली व्यवस्था झालेली नाही। बियाणं कोणाला मिळत नाही, खतं मिळत नाहीत, कर्ज मिळत नाहीत आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यावर अतिशय विचित्र अशा प्रकारची परिस्थिती आली आहे। यासोबत वेगवेगळे जे घटक आहे, विशेषतः 12 बलुतेदार जे आहेत यांच्यासमोर एक फार मोठं संकट आहे। आणि म्हणून आमची मागणी अशी आहे की ज्या प्रकारे केंद्र सरकारने पॅकेज दिलं, वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी देखील पॅकेज दिलं आहे, महाराष्ट्राचं एकमेव सरकार असं आहे की ज्यांनी कुठलंही पॅकेज दिलेलं नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने देखील पॅकेज दिलं पाहिजे। विशेषतः 12 बलुतेदारांकरता पॅकेज दिलं पाहिजे, शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे। आणि आमचे आदरणीय शरद पवार साहेब हे माननीय पंतप्रधान मोदीजींना पत्र लिहितात आणि मदत करा असं सांगतात। आमची पवार साहेबांना विनंती आहे की एखादं पत्र हे त्यांनी माननीय उद्धवजी ठाकरे यांना देखील लिहिलं पाहिजे, कारण राज्य सरकारच्या वतीनं कुठल्याही प्रकारे मदत करण्याचा कुठलाही विचार या ठिकाणी दिसत नाही। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, हमारे सभी नेताओं का यही प्रयास है कि इस माध्यम से जो क्वारंटाइन पेशेंट है, जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उनकी व्यवस्था होना चाहिए। सरकार के माध्यम से पहले पहले कुछ व्यवस्था अच्छी हुई, लेकिन बाद में अभी देखा जा रहा है पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। जो होम क्वारंटाइन में है उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किए हुए हैं, जो लॉकडाउन के बाद क्वारंटाइन किए गए, उसकी व्यवस्था भी हो नहीं रही है। उनके खाने के प्रॉब्लम्स और उनको जो मेडिसिन मिलना चाहिए इस माध्यम से मिल नहीं रही है। मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, मालेगांव, ये महाराष्ट्र में 7-8 क्षेत्र ऐसे जहाँ कोरोना बहुत बढ़ रहा है। इस माध्यम से हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इन्होंने सरकार का ध्यान दिला है कि इस माध्यम से जो कोरोना के जो पेशेंट्स है जो क्वारंटाइन में, उनको सुविधा मिलना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए, उनकी वहाँ पे अच्छी सुविधाएं सेवाएं मिलना चाहिए। इस माध्यम से उन्होंने वक्त दिया था, क्योंकि अगर वो लोग अगर वहां से निकल गए तो जो सरकार ने जो प्रयास किए, जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, वो पूरे फेल हो जाएंगे। क्योंकि ये कोरोना के माध्यम से जो रेड अलर्ट जोन है, जैसे नागपुर है, मुंबई है, ये जगह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो क्वारंटाइन पेशेंट है उसकी सुविधा है उनको मिलना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये महाराष्ट्र में खड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र बचेगा तो हम सभी बचेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र आज पूरे भारत में महाराष्ट्र का जो दर है पॉजिटिव का वो बहुत ज्यादा है, बहुत हर दिन 100 पेशेंट के ऊपर जा रहे हैं। और इसके माध्यम से वो उस क्वारंटाइन में अच्छी सुविधाएं मिले, उसको अच्छी मेडिसिन मिले,
वो उनको मिलना चाहिए। जो गरजू लोग हैं उसको भी धरने के माध्यम से उनको सुविधा मिलना चाहिए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी सुविधा मिलना चाहिए, वो उनका हक है। यही माध्यम से हमारे नेता आदरणीय फडणवीस साहब ने वक्तव्य किया हुआ है, उनकी बात जायज है। क्योंकि अभी जो अपन देख रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, उस माध्यम से सभी लोगों को सुविधा मिलना बहुत जरूरी है। इसी माध्यम से उन्होंने शासन की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया हुआ है। इसी माध्यम से हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नेतागण काम कर रहे हैं।